हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रश्नावली 2.5 बहुपद का। तो क्वेश्चन में है कि हमें बिना एक्चुअली सॉल्व किए, बिना एक्चुअली क्यूब किए इनको सॉल्व करना है, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो पहला है दैट इज -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। ओके, तो हमने इसे सॉल्व करना है और क्यूब एक्चुअल में हमें नहीं करना है। ऐसा नहीं कि इनका अलग क्यूब करो, इनका क्यूब करके आप प्लस कर दो, ऐसा नहीं करना है। देखो, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि इफ आई मीन यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो है तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब होता है 3xyz। तो यहां पे हम देखेंगे चूंकि -12 प्लस 7 प्लस 5, अगर हम इनको प्लस करें तो जीरो आएगा। देखो, 7 और 5 12, 12 में से 12 गया जीरो। अब आपको ये जीरो आ रहा है तो इसीलिए -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब हो जाएगा 3 गुणा -12 गुणा 7 गुणा 5। अब इनको सॉल्व करेंगे तो आएगा, हाँ ये हुआ कितना आएगा, 6 6 7 42, 42 3 126, 0। और माइनस का साइन आना चाहिए क्योंकि ये माइनस है, और ये हमारा आंसर आ गया है। क्लियर है, बात समझ आ गई आपको? ओके, तो हमें ये प्रॉपर्टी यूज करनी है। ठीक है, बहुत सिंपल है, इनको आप 3 × 3 × this × this × this कर दो, आंसर आ जाएगा। अब इसका सेकेंड पार्ट देखो, यहां पे हमें बताना है 28 क्यूब प्लस -15 क्यूब प्लस -13 क्यूब। तो अगेन यहां पे सेम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल ये चीज यहां पे भी लिखनी है, तो जब आपके पास क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आप प्रॉपर लिखना। ठीक है, तो चूंकि यदि x प्लस वाई प्लस जेड जीरो है तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब होता है 3xyz। यहां पे 28 -15 -13, ठीक है, चलो प्लस करते हैं, चलो अब ठीक है। लेकिन यहां पे आप देखेंगे ये 28 प्लस माइनस का -15, ये -13 हो जाएगा और ये जीरो आ जाएगा। अब क्योंकि ये जीरो आ गया है तो x प्लस वाई प्लस जेड अगर जीरो है तो 28 क्यूब प्लस -15 क्यूब प्लस -13 क्यूब हो जाएगा 3 × 28 × -15 × -13। ठीक है, ये हो जाएगा 14 14 3 42 42 126 126 × 13 13 78 का 8 और 13 26 26 और 7 31 का 3 13 16 और एक जीरो लग जाएगा।